अचानक मिले कुल पहाड़ी और ये हमारे जीजा जी फंस गए यहाँ पे कीचड़ में। और जिस टाइम माँ बोला केदारनाथ जा रही थी, हाथ पे कितने रुपए रखे थे? 15 रुपए। ये कुछ ऐसी कहानी है माँ की केदारनाथ न जा पाने की। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह करीब 9:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो गांव की महिलाएं हैं, सभी लगी हैं खेतीबाड़ी के कामों में। आजकल धान की लवाई मंडाई का टाइम है तो सभी आजकल बिजी हैं गाँव में। तो अभी माँ और मेरी तैयारी हो चुकी है पुराने घर पे जाने की, और आज ना माँ को भी लेट होगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था यहाँ पे बचा हुआ। हेलो, अचानक मिले कुल पहाड़ी है। आभार तैयारी चल ठीक था मैं बाय बाय। तो चलो जी, अचानक कूल पहाड़ी और अखिलेश भाई से मुलाकात होगी। ये लोग जा रहे हैं देहरादून, और यहाँ से देहरादून बाइक से जाना आजकल आसान काम नहीं है क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब है। और पता है पिछली वीडियो में आपने गेस कर लिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ अगली ट्रिप पे, पर ना वहाँ जाना जरा मुश्किल सा काम है क्योंकि आजकल ना रात को इतनी भयंकर बारिश हो रही है, पता ही नहीं लग रहा है, फिर हो रहे हैं लैंडस्लाइड, कहीं बादल फट रहे। तो ऐसे मौसम में हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, सेफ रहेंगे तो बाद में आराम से जाते रहेंगे नई नई ट्रिप पे। माँ को आज डर लग गया वहाँ पे आने से क्योंकि वहाँ बहुत कीचड़ हो रखी थी ना। माँ तो यहाँ से घर को जाएंगे और मुझे जाना है फापन गांव तक क्योंकि अभी मैंने वीडियो अपलोडिंग पे लगाई है। ठीक था, थोड़ी देर में वीडियो अपलोड होगी तब मैं घर को आऊंगा क्योंकि फापन में नेट अच्छा चलता है। एक कमेंट बहुत ज्यादा बार आता है कि भाई इस बाइक को चेंज कर दो, नई बाइक ले लो। देखिए बाइक का अभी ऐसा है कि इस बाइक को 5 साल होने वाले हैं, अभी मैंने सिर्फ 24,818 किलोमीटर ही ये चलाई है, तो अभी तो मैं नई बाइक नहीं लूंगा। सोच तो रहा था लेकिन फिर बात वही हो जाती ना कि अगर थोड़ा महंगी बाइक लूंगा तो उसका माइलेज भी कम होगा, उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा मेरे को। तो फिर अभी जब तक अपनी गुंजाइश नहीं है उतनी, तो क्या बोलते हैं कि पैर उतने पसारने चाहिए जितनी चादर हो या कम्बल हो, जो भी बोलते हैं, लेकिन फ्यूचर में जरूर आएगी अपनी नई बाइक। यहाँ पे आए हुए मुझे अभी 20 मिनट भी नहीं हुआ और वीडियो अपलोड हो चुकी है। बाकी मनसुना साइड से देखिए कितनी भयंकर बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे ही आजकल मौसम का पता नहीं चल रहा है, इसलिए ट्रिप पे जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आजकल। यहाँ फापन मिल गई है घर की ककड़ी, वो भी पिसे हुए नमक के साथ। चलो जी, यहाँ फापन में आया था और यहाँ पे ना टाइम का पता ही नहीं चला, कम से कम 2-2.5 घंटे में यहाँ पे रुका और यहाँ पे आके ना ककड़ी खाने को मिल गई नमक के साथ, वो भी तो उसका तो मजा ही कुछ अलग है। ये क्या घास लेता है जर फापन चो गए हूँ। अब एक दिन आपको ना इस वाली रोड पे भी ले जाएंगे आगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे गांव की रोड का काम कितना हुआ। अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बस रोड चौड़ी कर रहे हैं और आगे तो अभी ज्यादा कटिंग हुई नहीं। और पापा जी भी आ चुके हैं, अब निकलते हैं हम भी घर को। इस रास्ते पे चलते हुए ना आजकल डर भी लगता है, एक तो ऊपर से पत्थर गिरने का, दूसरा आजकल बहुत ज्यादा फिसलन हो रखी है इसमें। और यहाँ घर में पहुंचते ही यहाँ पे दिखे हमको झंगोरे की वालियाँ। ये देखिए थोड़ा बहुत झंगोरा हुआ होगा, वो निकाल के रखा हुआ है ऐसे यहाँ पे। अब इस किचन का भी थोड़ा सा रिनोवेशन करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, जो लकड़ियां हैं वो सड़ चुकी हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि लोहे का फ्रेम बना के अच्छा सा एक किचन बना देंगे यहाँ पे लकड़ी का। और ये छत भी मॉनसून के टाइम पे खराब हो जाती है, मतलब कि इसमें सवाल जमने लगा, तो इसका भी कुछ मेंटेनेंस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ छतों में आजकल तिल रखे हैं निकाल के सुखाने के लिए। सूखना तो कहाँ से है इन्होंने, क्योंकि बारिश लगे जा रही है, जब सूखेंगे तो उसके बाद से इनके अंदर से तिल निकाल देंगे। नीचे चाची लोगों का भी ऐसे रखा हुआ है छत में, तो ऐसा कुछ है भाई यहाँ का सीन। बस अब थोड़ा सा आराम करते हैं, देखते हैं फिर क्या क्या काम हो पाते हैं आज के दिन पे। शाम के 4:30 हो रहे हैं और बाहर का माहौल देखिए पूरा कोहरा ही कोहरा है चारों ओर लगा हुआ। बस कुछ मीटर से दूर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सूर्य देवता भी हल्के हल्के चमक रहे हैं बादलों के पीछे से। और अब जैसे जैसे ये कोहरा छटता रहेगा ना, वैसे वैसे जो माहौल है ना वो काफी गजब का दिखेगा यहाँ सामने का। आजकल दिन में लंच करने के बाद ऐसी नींद आती है कि सीधे शाम के 4 या 5 बज जाते हैं, फिर नींद खुलती है। अब थोड़ा फ्रेशनेस आ जाए उसके लिए धारे में जाके ठंडे पानी से जरा हाथ मुंह धो लेते हैं एक बार। अब मौसम भी देखिए ना क्या चीज है, धीरे धीरे जो बरसात है वो पतझड़ में बदलती जा रही है, जो पहिया के पेड़ की पत्तियां है ना वो नीचे झड़नी शुरू हो गई हैं और यहाँ पे पूरा फिर से गंदा हो गया था, कुछ दिन पहले मैंने साफ किया ही था। खैर ये प्रकृति है, इसमें बदलाव तो आते रहते हैं। और माँ पापा भी आ चुके हैं गौशाला का सारा काम निपटा के, और यहाँ पे पत्तों से ना जो नाली है वो जाम हो गई है तो उसको खोल रहे हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ धारे के ऊपर से भी खूब सारी पत्तियां आ रही है, देखिए
ये है माँ की दथड़ी, इसको दथड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। पर अब ये थोड़ा ना देसी टाइप की दथड़े आने लग गए, जो यहाँ पहाड़ों में चलते थे ना वैसे कम आ रहे इधर साहब, उन पर लकड़ी का हत्ता रहता था। अभी थोड़ा कुछ अलग टाइप की हल्की भी है। अब ये है नारी शक्ति का प्रतीक, देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। गाँव की लेडी अगर कहीं पे इसको लेके जाएगी ना तो एक तो उनके काम की चीज है, दूसरी उनकी सेफ्टी हर समय उनके साथ। यहाँ का पानी ना हम डायरेक्ट ऐसे धारे से पी सकते हैं, वो बिल्कुल साफ भी आता है और उसमें कोई गंदगी भी नहीं होती है। अब गिरिया में पता क्या सीन है, वहाँ आता है ऊपर नदी का पानी। अब नदी तो आजकल बहुत भयंकर रूप में आती है, उसमें कचरा कुचरा सब आता है, मतलब मिट्टी के कण छोटे छोटे, फिर वो जो पानी है पिया नहीं जाता हमसे। अब सोच रहा हूँ कि अगली बार एक फिल्टर ले आऊँ वहाँ के लिए, क्योंकि पानी तो पीना ही है भाई। अभी यहाँ घर से ठीक सामने गुप्तकाशी देखिए, गाड़ियों की कितनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। उसका रीजन तो मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियोस में कि वहाँ पे ना रोड की कंडीशन खराब है और अब तैयारी कर रहे हैं गिरिया को जाने की। अब यात्रा की भीड़ को देख के माँ बोली कि मैं केदारनाथ जाती हूँ। माँ गई भी आज तक? दिल्ली में जाना यार एक साथ। गई भी आज तक कभी? कभी नहीं, एक बार। माँ को कुछ पुरानी याद है, ताजा होगी बोल। मैं एक बार नीचे गांव के नीचे गई ना केदारनाथ जाने के लिए, केदारनाथ बतूज के लिए है। तेरे मामा जी पीछे से आए है, वो कहाँ जा रही सीधा घर आए। ये कुछ ऐसी कहानी है माँ की केदारनाथ न जा पाने की। तो पहले ना लड़कियों को थोड़ा बाहर जाने कम देते थे, ऐसी ऊपर ऊपर बुग्याल ऐसी जगह पे ना थोड़ा कम जाने देते थे शायद। माँ की सिरणी भी जा रही है, रस्सी भी जा रही है, कल वहाँ से पराल भी ले आना है। थोड़ा तिल था तो अच्छा। बंदर ने खा लिया। तिल है, तिल ले आने है कल, पराल परसों ले आए थे। और जिस टाइम माँ बोला केदारनाथ जा रही थी, हाथ में कितने रुपए रखे थे? 15 रुपए। सिर्फ 15 रुपए? आप 15 रुपए में केदारनाथ से वापसी भी हो जाते? सोचिए वो जमाना कैसा रहा होगा, सिर्फ 10-15 रुपए में ही आप दूर दूर तक घूम सकते थे। आज का जमाना अगर ऐसा होता ना, खैर समय के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती हैं। और वहाँ ठीक सामने पर ना स्कूटी फंसी हुई है, तो थोड़ा जल्दी चलते हैं, उनकी हेल्प कर लेंगे। अब यहाँ पे रोड की कंडीशन इतनी खराब है, अरे ये तो हमारे जीजा जी है ना, ये फंस गए वहाँ पे स्कूटी से। चलो उनको निकालते हैं एक बार बाहर। और ये हमारे जीजा जी फापंज वाले फंस गए यहाँ पे कीचड़ में। तुम बोल के वीडियो में ये गया, आयो इंच पे टूटने डोर स्टार्ट कर रहे हो ये हमने कीचड़ में फंसा। ये पर चले चले है, अरे मतलब तुम नहीं जा रहे कि चले थे। चलो जी इनकी स्कूटी निकाल के दे दी, अच्छी बात है कि मेरे चप्पल पहने हुए हैं। आया तो कहीं उड़ तुम अब मैं अपनी बाइक लूट जाना। यहाँ पे बहुत भयंकर कीचड़ हो रखी है, जिसने ऐसी जगह पे बाइक चला दी वो तो कहीं भी बाइक चला लेगा मेरे हिसाब से। देखिए कितना खतरनाक हो रखा है। कार तो यहाँ पे इतनी जोर से लग रही ना नीचे, हर किसी की कार नीचे टच हो जाती है। यहाँ पे ना पहले एक धारा था, जिस वजह से यहाँ ये पानी पानी सा हो रखा है। जरा मैं पैर धो लेता हूँ इसी कीचड़ वाले पानी में, क्या करें धोने तो है ही। इसको हम रुकने भी नहीं देंगे, यहाँ पे खोल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, जिससे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत ना हो। बाकी अपनी बाइक पे तो मुझे इतना विश्वास है कि मैं यहाँ पे आराम से चला ही लूँगा। ये देखो बाइक तो निकल जाती है आराम से, बस स्कूटी में ना डर सा रहता है, जो टायर है वो इधर उधर होता रहता है। देखिए बाइक बिना पैर नीचे रखे मैंने निकाल ही दी। तो यहाँ घर के पास में ऐसी ही दिक्कत है आजकल, बहुत भयंकर फंस जाती हैं गाड़ियाँ। अब यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है तो यहाँ पे रुक के जरा पैर धो लेते हैं एक बार ढंग से। यहाँ पे चप्पल भी बहते थे स्कूल टाइम में बच्चों के, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आता है ना जब आता है तो। और साथ ही साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी फिर से स्टार्ट हो गई है। अब एक दो दिनों तक बारिश का अलर्ट है, तो ऐसे में हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। और मेरे तो मन घर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बस मैं चाहता हूँ कि कहीं ट्रैवलिंग पे निकल जाऊँ। और थोड़ा ना मौसम का डर रहता है यहाँ पहाड़ों में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और सामने गडगू गाँव की ओर से तो भयंकर वाली बारिश शुरू होगी है, जब तक वो यहाँ आती है पूरे तरीके से तब तक हम घर पहुँचने जाए, नहीं तो फिर बारिश में भीगना पड़ेगा आज।